ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधु, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर वाले, आपके परिवार के सदस्य आपकी लव मैरिज के लिए या जिसे हम कहते हैं प्रेम विवाह, उसके लिए राजी नहीं हो रहे, मान नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी अपने प्रेमी से हो या फिर प्रेमिका से हो, तो आप ये उपाय अवश्य। इस उपाय के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर वालों को अपनी प्रेम विवाह के लिए मना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। इस कटोरी को आपको एक लाल कपड़े से ढक देना है। इस लाल कपड़े से आपने ढक दिया है इस कटोरी को। अब इसके अंदर आपको एक मिठाई होनी चाहिए, कोई सी भी मीठी चीज़ होनी चाहिए। हम मिठाई ले रहे हैं, गुजिया देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपको रख देनी है। अब क्या करना है, आपको जितने घर वाले हैं, मान लीजिए घर में अगर दो घर वाले हैं, माता पिता जिनको मनाना है, तो आपको दो बड़ी इलायची लेनी है। ये आप देख रहे हैं बड़ी इलायची, इसके अंदर रखनी है। जितने घर वाले होंगे उतने रखनी है। मान लीजिए अगर पांच घर वालों को मनाना है तो पांच बड़ी इलायची रखनी है। बड़ी इलायची से सकारात्मक सोच आएगी, पॉजिटिव सोच आएगी, ताकि आपकी शादी के लिए वे मान सकें। और जो नकारात्मक सोच पहले से है उसको हटाने के लिए आपको दो लौंग रखनी है। ये भी जितने सदस्य होंगे उसके हिसाब से ही रखनी है, पाँच सदस्य हैं तो पाँच रखनी है, ताकि उनकी नकारात्मक सोच हटे आपके प्रेम विवाह के विपरीत। और एक बात और बता दें, यदि आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो आप तुलसा का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सदस्य कितने हैं उसके अनुसार। और लौंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप काली मिर्च के दाने भी रख सकते हैं, जितने सदस्य हैं उसके अनुसार। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसको ढक देना है। यह उपाय आपको शनिवार को या मंगलवार के दिन करना है और शाम को 6 बजे से पहले करना है। मान लीजिए आप मंगलवार को कर रहे हैं तो 6 बजे से पहले आपको करना है। अब इसको ढकने के बाद आपको अगले दिन यानी कि बुधवार को सुबह 12 बजे, दिन के 12 बजे कहते हैं, दिन के 12 बजे से पहले आपको उन लोगों को यह मिठाई खिलानी है जिनको आप मनाना चाहते हैं अपने प्रेम विवाह के लिए। माता पिता हैं तो दो हिस्से करके, आधा माता को आधा पिता को। और यदि जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 4 सदस्य हैं जिनको मनाना चाहते हैं, तो चारों को थोड़ा थोड़ा आपको खिलाना ही पड़ेगा। और जो आपके पास सामग्री बची है, जैसे कि दो इलायची बताई थी हमने, बड़ी इलायची, वह आपको अपने पास ही रखनी है। और जो लाल कपड़ा है और जो लौंग है, उसको आप लाल कपड़े में बांध कर लौंग को किसी जंगल में फेंका या किसी सुनसान जगह में फेंक कर आ जाए, और आप वापस आते हुए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और याद रखिए, पूरी की पूरी मिठाई खत्म हो जानी चाहिए सदस्यों को मिठाई खिलाते इस वक्त। बंधुओं, इस उपाय का परिणाम बेहद जल्दी मिलता है यदि सटीकता से किया जाए। जैसे कि जैसा बताया वैसा ही करना है, कुछ इसमें आप परिवर्तन मत करिए, कुछ चेंज मत करिए, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और एक चीज और बता दें, इसी संदर्भ में हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जो आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में हम इससे भी महत्वपूर्ण विषय पर हम वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और प्रेम विवाह करने में सफल हो सकें। धन्यवाद।